हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग? तो गाइस, आज की जो वीडियो है ये थोड़ी सी मतलब अलग वीडियो है गाइस, और ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, और जो लोग काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं वो लोग भी देख सकते हैं गाइस, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे भी पता नहीं थी। इस वीडियो को बनाते टाइम मुझे चलिए पता कि भाई ये भी है। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेडल्स के बारे में। मेडल्स क्या होते हैं गाइस, वो बताएंगे इस वीडियो में। व्हाट इज़ मेडल्स, वट आर द यूज़ ऑफ द मेडल्स एंड वट आर द बेनिफिट्स ऑफ द मेडल्स, ये तीन टॉपिक कवर करेंगे। और जो पहला टॉपिक है वट इज़ मेडल, तो उसमें हम ये भी बताएंगे कि मेडल हमें मिलेंगे कैसे गाइस, ठीक है। सब कुछ आपके गेम में है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ गाइस, मतलब मैं भी देख लेता हूँ, वीडियो बनाते टाइम पता चले कि ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना गाइस। तो यहाँ मैंने मिथिकल लिखा है, तो मिथिकल में बहुत सारे पोकेमोन आ गए, इनको मतलब ऊपर वालों को छोड़ के जो नीचे वाले मिथिकल पोकेमोन है गाइस, जैसे कि आपका म्यू हो गया, जराइची हो गया, मिल्टन हो गया, सेल्वी हो गया, कैलवी हो गया जो भी बोलते हैं, और विटनी हो गया गाइस। तो ये जो पोकेमोन्स हैं, ये पोकेमोन आपको कैसे मिल सकते हैं, अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है तो आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता है ये पोकेमोन कैसे मिलते हैं, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूँ गाइस। जो ये पोकेमोन हैं ये वाले गाइस, विक्टनी, म्यू, जराइची, मिल्टन, कैलवी, सेल्वी जो भी है, ये पोकेमोन आपको गेम में मिलेंगे गाइस। इनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा पकड़ने के लिए, ये आपको इन गेम मिलते हैं, और ये सबको मिलते हैं गाइस। जो भी बंदा लेवल 35 तक पहुँचता है वो लगभग इनमें से सारे पोकेमोन पकड़ ही लेता है। जेंसेक्ट ये सब कुछ छोड़ गए, ये सब तो रेट्स में आते हैं गाइस, बाकी ये सारे पोकेमोन आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस, ठीक है। तो ये पोकेमोन कैसे मिलते हैं गाइस, और उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको स्पेशल में जाना है गाइस। स्पेशल में आपके यहाँ रिसर्च होगी, बहुत सारी रिसर्च होंगी गाइस, उन रिसर्च में से बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं गाइस। तो ये रिसर्च कंप्लीट करोगे आपको पोकेमोन मिल जाएंगे, फालतू में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस। सो गाइज, ये बात मैंने क्यों बताई, मैं आपको बताता हूँ गाइज, कि जो मेडल्स होते हैं वो एक ज़रिया होता है गाइज, ठीक है। आपको ये मिथिकल पोकेमोन जब ही मिलेंगे जब आपके पास गोल्ड मेडल होंगे किसी रीज़न का, ठीक है। अगर आपको म्यू पकड़ना है तो म्यू के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप कैंटो रीज़न की अच्छी खासी नॉलेज है आपके पास, तभी आप म्यू पकड़ सकते हो। सो गाइज, अभी मैं आपको लेके जाता हूँ पॉकीडेक्स में गाइज। तो पॉकीडेक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गाइज 6 रीज़न दे रखे हैं गाइस। गैलर रीज़न अभी रिसेंटली ऐड हुआ है गाइस, और 6 में से 4 रीज़न का गोल्ड मेडल है गाइस, और जो अननोवा रीज़न है उसका गोल्ड मेडल मिल जाएगा दो पोकेमोन और रजिस्टर करने गाइस, पकड़ना नहीं रजिस्टर करना गाइस। सो गाइस, ये गोल्ड मेडल कैसे मिलेंगे अब ये बताता हूँ गाइस आपको। तो करना क्या, आपको सीधे जाना है मी पे, प्रोफाइल पे जाना है, मी पे जाना है गाइस, और मी पे बिल्कुल नीचे चले जाना है, सरकते हुए बिल्कुल नीचे पहुंच जाना है गाइस। सो गाइस, ये वाले मेडल्स के बारे में ही बताएंगे इस वीडियो में, और कोशिश करेंगे आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ ही बताई जाए, फालतू बातें नहीं, ठीक है। तो अभी चलते हैं कैंटो रीजन पे, क्लिक करते हैं गाइस। तो ये है कैंटो रीजन का पॉकीडेक्स जिसमें गोल्ड मेडल मिल चुका है। कैसे मिला है गाइस, कैंटो रीजन के अगर आप 100 पोकेमोन पॉकीडेक्स में रजिस्टर कर दोगे तो आपको मिल जाएगा गोल्ड मेडल। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग सुन लो गाइस, कि जो कैंटो रीजन के पोकेमोन होते हैं आपको मिल जाएंगे इजीली, वो आपको पकड़ने हैं और उनको इवॉल्व करना है गाइस। रजिस्टर करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है उनको इवॉल्व करो, क्योंकि आपको आधे ज़्यादा पोकेमोन मिल जाएंगे, पूरे नहीं मिलेंगे 100 के 100, आपको इवॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे चार्मेंडर है तो उसको चार्मेंडर पकड़ने का आप उसको 2 और रजिस्टर कर सकते हो, मतलब टोटल 3 पोकेमोन आप रजिस्टर करते हो। चार्मेंडर, 4,000,000, बल्बसौर, ईविसोर, वेनोसोर, ये ऐसे कर करके हम लोग पोकेमोन्स इसमें डालते रहते हैं गाइस, और वो बढ़ते रहते हैं। कैंटो रीजन के पोकेमोन पकड़ के हम लोग बाकी रीजन के पोकेमोन्स भी डाल सकते हैं गाइस, क्योंकि बहुत सारे पोकेमोन ऐसे भी हैं जो कि सीनो स्टोन मानते हैं और सीनो रीजन के पोकेमोन्स भी बनते रहते हैं वहाँ पर। रेडन हो गया, रायहॉर्न, रेडन और फिर रिपीरियर, ये सब मतलब आपको पता होगा गाइस। फिर यहाँ पर ये झोटो रीजन है गाइस। तो जैसे कि कैंटो रीजन में आपको 100 पोकेमोन चाहिए थे, यहाँ पर थोड़ा नंबर कम है, यहाँ 70 चाहिए गाइस। 70 पोकेमोन जैसे रजिस्टर करोगे गोल्ड मेडल मिल जाएगा। फिर ये है गाइस सीनो रीजन में सिर्फ और सिर्फ
आपको चाहिए 80 पोकेमोन्स रजिस्टर करने गाइस, ठीक है। और उसके बाद है आपका अनओवर रीजन, तो यहाँ मेरे पास 98 है, बस दो पोकेमोन और रजिस्टर करने हैं जो कि मैंने इवॉल्व नहीं कर रखे होंगे, बस सिंपल सा है गाइस, सिंपल सा है। सो गाइस ये है गोल्ड मेडल, कैसे मिलेंगे आपको पोकेमोन्स पकड़ने हैं, पोकेमोन्स नहीं मिलते सबसे बड़ी बात है गाइस, सारे पोकेमोन्स नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए क्या करना है गाइस, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, टीम को रॉकेट से लड़ते रहना है गाइस, क्योंकि टीम को रॉकेट आपको ऐसे ऐसे पोकेमोन ला के दे रही है जो आपको वाइल्ड में अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। पॉइंट नंबर थ्री, आपको क्या करना है गाइस, रिसर्च कंप्लीट करनी है गाइस, बहुत सारे पोकेमोन आपको जैसे कि म्यू पकड़ना है, मिथिकल रिसर्च कंप्लीट करनी है। तो म्यू की वाली रिसर्च कंप्लीट करते करते बहुत सारे पोकेमोन आपको पहले ही मिल जाएंगे, वो रिसर्च में रिवॉर्ड में मिल जाएंगे। तो जब आप सारी रिसर्च धीरे धीरे कंप्लीट करोगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे पोकेमोन एज अ रिवॉर्ड मिलते रहेंगे गाइस, ठीक है। फील्ड रिसर्च करो, स्पॉटलाइट अवार्ड में पार्टिसिपेट करो गाइस। तो ये आपको जहाँ जो भी पोकेमोन मिल रहा है वो पकड़ो गाइस, उनको इवॉल्व करो। अब ये मैं सोचो कि कैंटो रीजन का पहले कंप्लीट करना है, ऐसे नहीं होता, ऐसे वर्क करेगा ही नहीं गाइस, आपको सब कुछ एक साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि समझ जाओ गाइस वाइल्ड में सारे पोकेमोन एक साथ अवेलेबल है। अब ऐसा नहीं है ना कि आप सोचो कि कैंटो के सिर्फ पकड़ूँ, सारे पकड़ो और ज़्यादा पकड़ो गाइस, जितना आप पकड़ोगे उतना बढ़िया रहेगा गाइस, ठीक है। उसके बाद गाइस इन मेडल्स का यूज़ क्या है गाइस, तो यूज़ गाइस यही है कि आपको मिथिकल पोकेमोन्स मिलेंगे गाइस, ठीक है, ये इनका सबसे बड़ा यूज़ है गाइस। अगर आप इनको पकड़ते हैं तो आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं गाइस, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च ऐसी है जिसमें कि आपको ये बोला जाएगा, जब आप ये रिसर्च कंप्लीट करोगे तो आप बोला जाएगा गाइस किसका गोल्ड मेडल लेके आओ, जब तक गोल्ड मेडल लेके नहीं आओगे तब तक तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगेगी, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो गाइस। तो वो गोल्ड मेडल के लिए गाइस आपको पकड़ना पड़ेगा, और यही इसका यूज़ है गाइस। अब बात करते हैं बेनिफिट्स क्या है गाइस। सो गाइस हम लोग इसमें गोल्ड मेडल के बेनिफिट्स के बारे में बोल देते हैं। अब गाइस जब आप करोगे तो बेनिफिट्स तो हो गए गाइस। सो गाइस ये आपको बहुत सारी चीज़ें अनलॉक करती हैं, बहुत सारा चीज़ आपको मिलता है इसमें से, आपको मतलब कपड़े लेते भी मिल जाते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं गाइस। तो जैसे कि अगर मैं नीचे आता हूँ गाइस, तो यहाँ पर देखें गोल्ड मेडल काफ़ी सारे में गोल्ड मेडल मिल चुका है गाइस। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये नॉर्मल टाइप मैंने पोकेमोन पकड़ रखे हैं 200, मतलब पकड़े 200 से ऊपर रखे हैं गाइस, बट यहाँ पर मैं गाइस मुझे मिल चुका है गोल्ड मेडल, स्कूल किड में गोल्ड मेडल मिल चुका है गाइस। तो यहाँ पर बेनिफिट क्या है गाइस, सब कुछ लिखा हुआ है यहीं पर गाइस। यहाँ लिखा है +3 नॉर्मल टाइप कैच बोनस, मतलब जो आप नॉर्मल टाइप पोकेमोन कैच करोगे तो आप +3 का बोनस मिलेगा, कैच बोनस मिलेगा गाइस। ये गोल्ड मेडल में है +3, सिल्वर में +1 है, सिल्वर में +1 नहीं होगा गाइस, ब्रॉन्ज में +1 होगा, सिल्वर में +2 होगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे बोनस हैं, बहुत काम आते हैं गाइस, सबको चलेगा भी नहीं पता, और ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे होते हैं धीरे धीरे अंदर ही अंदर गाइस। तो ये कैच बोनस है गाइस, ये आपको मिलेंगे, ठीक है। सो गाइस अगर आपको कहीं पर भी अटके हुए हो गाइस, मतलब किसी भी रिसर्च में अटके हुए और नहीं हो पा रही गाइस, तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे बिल्कुल। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, मैं ये कह रहा हूँ गाइस कि अगर आप वहाँ कमेंट करोगे तो कोई ना कोई आपकी हेल्प जरूर करेगा गाइस। अब वो कोई भी डाउट हो गाइस आप कमेंट करो गाइस। ये वीडियो बनाने के पीछे रीज़न ये था गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बोलते हैं कि भैया कैसे मिला गोल्ड मेडल। मैं उन लोगों को कमेंट पर रिप्लाई कर देता हूँ कभी कभार नहीं करता हूँ गाइस। क्योंकि मैं कभी बार क्यों नहीं करता हूँ गाइस, उसके वजह एक ही रीज़न है यार, क्योंकि मैं उसका रिप्लाई कई बार कर चुका होता हूँ, और जब मैं ये कमेंट दोबारा देता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार ये कमेंट बार बार क्यों आ रहा है। तो गाइस इसमें गलती आप लोगों की नहीं है, आप लोग कमेंट करो गाइस, इसमें गलती मेरी है कि मैं ये सोच क्यों रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस करना क्या, आपको कमेंट करना है गाइस, आपका जो भी डाउट हो गाइस, जो भी डाउट हो आप कमेंट करना गाइस। और ये बस इतना ही बोलूँगा गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग नेक्स्ट डे गाइस। और मेरे ख्याल से काफ़ी हेल्प मिली होगी जिन लोगों के लिए टॉपिक बिल्कुल नया हो, और जो लोगों ने देख रखा हो इट्स ओके भैया, तुम लोग कमेंट करने वाले हो क्या प्रवीण भैया ये सब क्या बना रहे हो, ठीक है गाइस। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग नेक्स्ट डे गाइस, बाय बाय। और अंदर की बात ये है गाइस, कोई टॉपिक था नहीं बनाने को, मैं चलो भाई मेडल्स के ऊपर कुछ बात करते हैं, मुझे पता है पूरा टॉपिक नहीं है बट काफ़ी हेल्पफुल है गाइस। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग नेक्स्ट डे गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, एंड सब्सक्राइब कर देना।